स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और ये ब्लॉग शिवरात्रि का है। तो शुरू करते हैं अपना प्यारा सा ब्लॉग। हाँ, ये देखिए मेरा भैया अमरुद खरीदने गया है और मैंने लगाए हैं हाथों में मेहंदी। देखिए आप जरूर बताइएगा मेहंदी कैसा लगाई हूँ मैं। और ये देखिए हमारी मेहंदी सूख गई है और कलर भी ले आई है। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट सोमवारी ब्लॉग था और मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। आज सोमवारी और सोमवारी का पहला दिन। इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती भगवान शिव जी के लिए तपस्या की थी और उनको पाई थी। तो जो भी लोग अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं वो मतलब कि इस दिन ये पर्व कर सकते हैं। और जो अविवाहित लड़की है वो अच्छे पति के लिए ये व्रत करती है और बहुत कुछ मान्यता है इसमें हमारी। और मैं पूजा कर ली हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मतलब पूजा की थी। मेरा फर्स्ट चांस है, मैं पहली बार सोमवारी व्रत की थी। मैं आई हूँ पूजा करने हनुमान मंदिर में, जहाँ शिव जी भी हैं। और ये मंदिर मेरे घर के बहुत ही पास है। तो अब मैं जा रही हूँ भगवान शिव को जल चढ़ाने। तो हर हर महादेव। तो भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगी। और इस दिन भगवान शिव का अमृत चढ़ाने की नियम है। और अमरुद चढ़ाते हैं लोग, औरत हरी साड़ी पहनती हैं, हरे कपड़े पहनते हैं आज के दिन। तो मैं जा रही हूँ अब जल लेने। यहाँ बगल में यहाँ पे जल लेने के लिए बाहर में है। तो मैं जल ले ली हूँ और मैं जा रही हूँ भगवान को और बाकी सारे भगवान की भी पूजा करने। इस दिन भगवान को बिलपत्तर भी चढ़ता है और अमरुद बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है भगवान के। इस दिन सब लोग अमरुद चढ़ाते हैं भगवान को। मैं भी चढ़ाई थी भोलेनाथ को, मैं भी अमरुद खिलाई थी। तो मैं बाकी सारे भगवान की इसमें पूजा कर रही थी। अब मैं भगवान को जा रही हूँ धूपबत्ती दिखाने और मेरा पूरा पूजा होता है समाप्त। मैं जा रही हूँ भगवान को। ये देखिए महादेव जी, लोगों ने महादेव और माता पार्वती को बंधन से बांधा। और यहाँ देखिए भगवान पौधे की पूजा कर रहे हैं। हमारे भारत में पौधों की भी पूजा होते हैं और ये संयंत्र होते हैं। ये हमारे हैं राम जी, सीता जी, विष्णु जी और यहाँ रहे हनुमान जी। तो ये देखिए मैं हर जगह पूजा कर ली थी और सारे भगवान पर इतना गर्मी पड़ रहा था इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुख। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी की। तो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। और ये देखिए हमारे तीन पोखरिया है हमारे घर के बगल में ही। यहाँ भगवान शिव पोखर के बीच में बैठकर तपस्या करते हुए आ रहे हैं नजर। तो देखिए हमारे भोलेनाथ जी। तो ये देखिए हमारे भोलेनाथ जी। आप भी जब आइएगा मुजफ्फरपुर तो यहाँ इस सारी जगह पर जरूर घूमिएगा। तो मैं अभी गई थी मंदिर, गई और मंदिर जाकर पूजा की। और यह सोमवारी व्रत माता पार्वती की थी और तपस्या, घोर तपस्या की थी और उनको भगवान शिव को पाई थी। तो इस दिन मैं गई हूँ मंदिर, गई हूँ मंदिर में पूजा पाठ की हूँ, घर पर भी की हूँ। घर का पूजा पाठ मैं नहीं दिखा पाई लेकिन मंदिर का कुछ वीडियो की हूँ मैं। और इतना भीड़ जो था, बहुत ज़्यादा भीड़ था आज और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़। और मेरा तो गला सूख रहा है। और किसके लिए आज पूरा दिन सहना रहता है। शाम को साबूदाना का वो होता है, पलाड़ी होता है और आज पूरा दिन सहना रहेगा। कि मैं घर में पूजा की थी और ये देखिए महादेव जी। तो घर में पूजा कर ली थी मैं। पसीने से तो मेरा पूरा हालत ख़राब हो जा रहा, आज इतना ज़्यादा गर्मी भी है क्या बताऊँ। और मुझे नहीं पता था कि आज के दिन है ना, मतलब कि पूजा पाठ करने के बाद है ना वो पीते हैं शरबत पीते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मी शरबत बना रही है। वही ये बना रही है मेरी मम्मी शरबत, और नींबू और पानी का शरबत हो चुका है तैयार।
अब हम जा रहे हैं शरबत पीने। और इस दिन सब हरे कपड़े पहनते हैं और हरी चूड़ी हरा और मेहंदी वेहंदी, हरा पत्ता का मेहंदी होता है तो समझे वो भी हरा ही हुआ और करते हैं। तो मैं सुबह में शिव चर्चा करना भूल गई थी, तो अभी मैं शिव चर्चा करने जा रही हूँ जिसमें 108 बार नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहा जाता है, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे भगवान जी, और ये मैं पट अभी तुरंत खोल रही हूँ भगवान जी का, और शाम हो चुका है। ये देखिए अब धूप उतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा धूप नहीं है और गर्मी भी कम पड़ रही है। तो सुबह तो हालत ख़राब हो गया था, प्यास भी लग रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ था। जो तो दोनों पैरों के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद इसमें 108 बार, तो ये है हमारा तीन उंगली और ये चार है, इसमें हम गिनेंगे 108 बार के चार। तो शिव चर्चा हो गया है और शिव चर्चा में नमः शिवाय अपने मन में बोला जाता, तो ये देखिए माने महादेव, तो नमः शिवाय हम लोग कर लिए हैं। और नमः शिवाय करने का तरीका होता है कि मतलब ये तीन उंगली है और ये चार उंगली है, तो एक बार बस इस पे है ना मतलब उंगली रख देना है ये वाली, और उसके बाद इससे ऐसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पूरा करना है। और फिर यहाँ तक कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पे रखना है, इसी तरह यहाँ पे रखकर फिर पूरे में करना है नमः शिवाय नमः शिवाय, मतलब ये जो तीन रहता है ना, तो यहाँ पे नमः शिवाय यहाँ पे नमः शिवाय यहाँ पे, तो इसी तरह पूरे में करना है, ये चारों में करना है। एक पर इस पर रखकर और इसमें चारों पर करिएगा तो आपको 108 फूट जाए। तो इसमें 9 रहते हैं और इसमें 12 रहता है, तो आप 9 को 12 बार पढ़िएगा तो आपको 108 आ जाएगा, या तो 12 × 9 = 108 आ जाता है। तो इसी तरह इस प्रक्रिया से आपको 108 बार ओम नमः शिवाय आपको पढ़ लेंगे, और एकदम अच्छे से इस तरह आप उंगली रखकर और आपको एकदम आराम से बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे इसको ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह मैं भी ओम नमः शिवाय पढ़ी थी, और अब हो गया वक्त है साबूदाना खाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए साबूदाना बन चुका है और मेरी मम्मी ने इससे साबूदाना को बनाया है, और अब मैं जा रही हूँ साबूदाना खाने। तो ये देखिए, और मैंने खाया 2 अमरूद और फिर से वही शरबत और साबूदाना, और मैं अमरूद खाकर मैं है ना खा ली हूँ, और उसके बाद एक गिलास पानी पी ली हूँ। अब ये शाम को जो 6 बज गया, ये देखिए शाम हो गया, अभी तुरंत यहाँ में बारिश हुआ था, अभी बहुत झमझम बारिश पी ली। अब हम सीधा शाम को मतलब शाम को जो खाएं थे अब सीधा कल खाएंगे, कल सुबह में खाना बनेगा वही खाएंगे, मेरी मम्मी बनाएगी और मैं खाऊंगी। ये देखिए मेरी मम्मी और बनाएगी और फिर मैं खाऊंगी, तो इस तरह पूरा पर्व ख़त्म होता है। तो आप सभी को सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके मन में जो इच्छाएँ जाइए नंदी जी को कहिए और वो सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएगी। और आप सबको हर हर महादेव, जय श्री राम और जय माँ पार्वती।